How to get 90 in PT writing module. Writing score distribution. Two questions from writing, one question from reading, and three questions from listening. From writing, summarize written text and essay. From reading, reading and writing, fill in the blanks. From listening, summarize spoken text, listening, fill in the blanks, and write from dictation. Thank you. PT writing score distribution. PT में जो हमारा राइटिंग मॉड्यूल होता है उसमें हमारा स्कोर कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है, और कितने कितने मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है 90 के. सो फर्स्ट है हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट. समराइज रिटन टेक्स्ट हमारे पास फाइनल एग्जाम में 1 भी आ सकते हैं और 2 भी आ सकते हैं, ठीक है. अगर हमारे पास फाइनल एग्जाम में समराइज रिटन टेक्स्ट 2 आते हैं तो नंबर ऑफ मार्क्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है, 7 × 2 = 14 मार्क्स. बट राइटिंग में कितने मार्क्स आते हैं, 7, क्योंकि जो हाफ मार्क्स है वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे रीडिंग में, क्लियर, वो कहाँ जाते हैं, रीडिंग में. नेक्स्ट है ऐसे. ऐसे राइटिंग क्या होता है, हमारे फाइनल एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, क्लियर, और ऐसे हमारे कितने पॉइंट्स का होता है, 15 पॉइंट्स का होता है, और 15 पॉइंट्स कहाँ जाते हैं, राइटिंग में, क्लियर. ये क्या है, नॉन इंटीग्रेटेड टास्क है. नॉन इंटीग्रेटेड मीन्स राइटिंग का क्वेश्चन है और सिर्फ राइटिंग में ही आपके पॉइंट्स जाते हैं, क्लियर. अब राइटिंग जो सेक्शन है हमारा समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे, फाइनल एग्जाम में पार्ट वन में राइटिंग सेक्शन होता है, क्लियर. पार्ट वन जो पीटी का एग्जाम में होता है उसमें हमारा स्पीकिंग और राइटिंग होता है. स्पीकिंग और राइटिंग में खुद का ही एक टाइम होता है, क्लियर, जो ऑलरेडी कंप्यूटर जनरेटेड होता है. नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट हमारा कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करता है राइटिंग में, रीडिंग से. रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है हमारा, जो राइटिंग में बहुत अच्छा बैंड स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट करता है. राइटिंग में हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 5 ब्लैंक्स होते हैं. ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है किसी ब्लैंक में आपके पैसेज में आपके पास 4 ब्लैंक हो, किसी पैसेज में आपके पास 3 हो, और हो सकता है किसी में 7 हो और 6 हो, क्लियर. बट अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज 5 पैसेज 5 ब्लैंक्स 25 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये टोटल पीटी के जो 90 का एक हर एक मॉड्यूल में स्कोर आता है, और यहाँ से हमारे 17 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं राइटिंग, क्लियर. ये भी फ्लक्चुएट हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ जो पैसेज है वो 5 है, बट मे भी हो सकता है कि किसी में 4 हो और किसी में 5 हो, मे भी हो सकता है किसी में 6 हो सकता है किसी में 3 हो, क्लियर. तो ये क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर सकता है, यहाँ पे 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और मे बी 16 भी हो सकता है, क्लियर. नेक्स्ट है समराइज स्पोकन टेक्स्ट. ये क्वेश्चन आता है हमारा लिस्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसका खुद का ही अपना टाइम होता है, बट ये भी क्या होती है, हमारी इंटीग्रेटेड टास्क होती है. इंटीग्रेटेड मीन्स कि जो दो मॉड्यूल्स में कवर होती है. समराइज स्पोकन टेक्स्ट हमारा लिस्टिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है और राइटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है. समराइज स्पोकन टेक्स्ट हमारे पास फाइनल एग्जाम में 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकती है, क्लियर. अगर हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट 2 आते हैं फाइनल एग्जाम में, 10 पॉइंट्स ईच होता है ये हमारा, क्लियर. तो आपके 20 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है पीटी में जो बैंड स्कोर होता है, उसके बाद 12 पॉइंट्स आपके राइटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है यहाँ से. ये भी फ्लक्चुएट हो सकता है, अगर हमारे पास 3 समराइज स्पोकन टेक्स्ट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे, क्लियर. मे बी उस टाइम हो सकता है आपके रीडिंग के ब्लैंक्स कम हो सकता है आपके लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के जो ब्लैंक्स होते हैं वो कम, क्लियर, क्योंकि ये फ्लक्चुएटेड क्वेश्चन है, कम ज़्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है इसमें. नेक्स्ट आपका लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स. लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हमारे लिसनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, एज वेल एज इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, क्योंकि ये जब भी हम पीटी में फर्स्ट डे आते हैं पहले दिन से आप लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर. लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 3 और ब्लैंक्स होते हैं 5, 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और हमारे पास हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वेटेज निकाला है, तो हमारे पास 15 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पीटी में, लेकिन राइटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जाता है, 11 पॉइंट्स का. अब देखें लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन तो लिसनिंग का है, क्लियर, बट आप लिसनिंग में मार्क्स यहाँ से कितने गए, ओनली 4, क्लियर. रेस्ट ऑफ द सारे ही पॉइंट्स कहाँ पे रहे, राइटिंग में. सो राइटिंग के लिए लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेलिंग का एक्यूरेट होना, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है. सो प्लीज प्रूफ रीड योर स्पेलिंग. जब भी आप स्पेलिंग लिखते हैं उसको चेक कीजिए कि आपने अच्छे से लिखा है या नहीं लिखा है, हर एक स्पेलिंग को आपको चेक करना है. राइट फ्रॉम डिक्टेशन,
की टू सक्सेस, इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं अगर राइट फ्रॉम डिक्टेशन हमारी 100% है, लिसनिंग में और राइटिंग में हमारे बैंड स्कोर को कोई नहीं रोक सकता, क्लियर। क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत अच्छा बैंड स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपका राइटिंग में एज वेल एज लिसनिंग में। राइट फ्रॉम डिक्टेशन अगर हमारे पास 4 आती है फाइनल एग्जाम में, आजकल जो एग्जाम्स का मोड चल रहा है 4 डिक्टेशन ही आती है सभी स्टूडेंट्स के पास, और सभी को पता है कि ये रिपीटेड आती है, क्लियर। अगर आपसे मान लीजिए कई बार होता है कि हमारा अगर हम एक बार सुनते हैं स्किप हो रहा है, आप बार बार उसको लिख लीजिए, स्पेलिंग्स को पूरे सेंटेंस को लिख लीजिए, क्रैम कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपका आई की लेवल अच्छा है तो वैसे ही आप उसको कर सकते हैं, क्लियर। बट आपको 100% एक्यूरेसी देनी ही है यहाँ पर एक अच्छे बैंड स्कोर के लिए, क्लियर। करना कैसे है, आपको जो भी तरीका सही लगता है, क्रैम करना सही लगता है वो भी सही है, डेली प्रैक्टिस करना सही लगता है वो भी सही है, किसी को एक बार करने से पूरा राइट फ्रॉम डिक्टेशन होता है वो भी सही है, बट अगर किसी को 10 बार करने से भी होता है वो भी गलत नहीं है, क्लियर। अगर 10 बार करने से, 20 बार करने से, सेम डिक्टेशन को आप इतनी बार करते हो, फाइनल एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, तो आपके जस्ट थोड़ा सा ही काम में डलेगा तो आपको पूरा डिक्टेशन एकदम से आप लिख देंगे वहाँ पर, क्योंकि आपने वो बहुत बार की है, क्लियर। और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी, एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि आपने वहाँ पर प्रैक्टिस किया हुआ है। सो राइट फ्रॉम डिक्टेशन से हमारा 40 पॉइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है अगर हमारे पास हर डिक्टेशन में 10 वर्ड्स है, मे बी कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आउट ऑफ 40 28 पॉइंट्स आपके कॉन्ट्रीब्यूट करता है राइटिंग, क्लियर। तो राइटिंग के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राइट फ्रॉम डिक्टेशन, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, चारों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे बैंड स्कोर के लिए। समराइज रिटन टेक्स्ट, आप सभी को पता है कि जस्ट लाइन्स उठानी है और वहाँ से आपका समराइज रिटन टेक्स्ट हो जाएगा, ऐसे एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके 15 आउट ऑफ 15 ही आएंगे, क्लियर। सो हाउ टू गेट 90 इन राइटिंग, समराइज स्पोकन टेक्स्ट से हमारे 7 पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट किए, ऐसे 15 पॉइंट्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स 17 पॉइंट्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट 12 पॉइंट्स, लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स 11 पॉइंट्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन 28 पॉइंट्स, तो टोटल क्या हुआ 90 मीन्स 90 पॉइंट्स 9 मिनट्स, क्लियर। पीटी राइटिंग स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7, 2 फ्रॉम राइटिंग, 1 फ्रॉम रीडिंग एंड 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम लिसनिंग, सो 2 3 4 7, क्लियर। 2 + 1 3 3 + 4 7, 7 types of questions and you can easily get 90 points in writing, clear। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.